नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल से पता पड़ता है कि आज का हमारा विषय क्या है। हम इसको किसी धर्म के ऊपर या किसी मत पंथ संप्रदाय के ऊपर हमला ना करते हुए आइए थोड़ा सा हम वैज्ञानिक तरीके से इसको थोड़ा और ब्रॉड समझते हैं कि किस प्रकार से जो गौमूत्र है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है, भारत में इसका कितना उपयोग है, विश्व में इसका क्या योगदान है, और जानते हैं कि ऊंट का पेशाब पीना कहाँ लिखा भी है या नहीं लिखा है, या सिर्फ हमारी एक अवधारणा सिर्फ कटाक्ष करने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में कई स्थान पर ऐसा आता है कि गौमूत्र से हम शरीर के बहुत सारे रोग दूर कर सकते हैं। मसलन हमारे शरीर का जो मेन कारक है वो है वात पित्त और कफ। तो आयुर्वेद के अनुसार यदि वात पित्त और कफ हमारे शरीर के संतुलित रहते हैं तो हमारा शरीर भी एकदम चमकदार, खूबसूरत और एकदम ओजपूर्ण रहेगा। इसमें किसी प्रकार की रोग व्याधियां नहीं आएंगी। तो उन सब को सम करने के लिए किसी एक पदार्थ की आवश्यकता थी कि जिससे हमारा शरीर उसके नियमित सेवन से इन तीनों तत्वों के समान रहने में योगदान दे सकता। तो इस प्रकार की बहुत सारी रिसर्च हुई हैं और ऋषियों ने ये पाया, ऋषि जो हमारे रिसर्च करने वाले लोग थे, उन्होंने ये पाया कि जो गाय है, गाय में भी कौन सी गाय, जो हमारी गाय थी देसी गाय, आजकल बहुत सारी मिक्स हो चुकी हैं, तो देसी गाय के जो भी बछिया होंगी अर्थात बिन ब्याही बछिया, बिन ब्याही देसी गाय की बछिया के मूत्र को शोधित करने के बाद यदि हम उसको प्रतिदिन खाली पेट लेते हैं, सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर का वात पित्त और कफ संतुलित रहेंगे और उनके डिसबैलेंस के कारण जो भी व्याधियां शरीर के अंदर आई हैं वो सब समाप्त होती हैं। तो यह तो रहा हमारे गौमूत्र का एक आयुर्वेद का उल्लेख मात्र। अब देखते हैं कि इसकी प्रायोगिकता कितनी है। भारत के अंदर 50 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो अपने अपने ब्रांड के नेम से अपनी अपनी गौशालाओं या बाहर की जो गौशालाएं हैं उनके जरिए मूत्र को शोधित कर बेच रही हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि स्किन डिजीज़ में जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें भी गौमूत्र का प्रयोग होता है। अभी एक सफल प्रयोग जो दिव्या फार्मेसी ने किया है के फिनाइल का गोनाइल जो बनाया है उसमें भी गौमूत्र का प्रयोग किया गया है और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखे गए हैं। इसके अलावा कैंसर के ऐसे हॉस्पिटल्स हमारे देश में बन चुके हैं जिनके इलाज के पीछे ही पूरी गाय की थेरेपी है, उसमें गौमूत्र है, गौ दुग्ध है, गौ घृत है, दही है। तो इस प्रकार से हम देखें तो भारत ही नहीं विश्व में भी गौमूत्र की एक बहुत बड़ी डिमांड खड़ी हो चुकी है। अब विदेशों में भी हमारे यहाँ से ब्रीड जाकर वहाँ पैदा होने लगी हैं और वहाँ उन्होंने गौमूत्र के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं, उसके एक्सट्रैक्ट निकालकर उनके ऊपर प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो ये हम अगर देखते हैं धरातल पर तो लोगों को बहुत ही बेनिफिट है। अब बात ये आती है कि कई बार लोग कहते हैं कि इस्लाम में इस प्रकार का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि ऊंट का पेशाब पीना चाहिए। तो पहले तो ना बहुत सारे वीडियोस ऐसे उपस्थित हैं जहां पर ऊंट का पेशाब पीते हुए भी दिखाया गया है। दूसरे हम बात करते हैं तथ्य और प्रमाण की, तो ट्रांसलेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ शाही अल बुखारी, ये इंग्लिश में बुक है, ये इस्लाम की बहुत ही
नामी गिरामी बुक है। और इस बुक में जो ऊपर जो लिखा हुआ है द बुक ऑफ अल हुदूद, इसके पॉइंट नंबर 6802 में लिखा हुआ है कि अल्लाह इस प्रकार से आपको आदेश करते हैं कि आप ऊंट का दूध, ऊंट अर्थात ऊंटनी का दूध और उसका पेशाब जो है वो दवाई की प्रकार से प्रयोग करें। तो जिस प्रकार से सनातनी हिंदू भाइयों ने अपने बड़े बड़े ब्रांड चला करके और बड़े बड़े नाम दे करके गौमूत्र को प्रचारित प्रसारित किया है, उस प्रकार से ऊंट अथवा ऊंटनी के पेशाब को, मूत्र को प्रचारित प्रसारित नहीं कर पाए वो लोग, ना ही उसका कोई R&D में कोई रिजल्ट आया है। इस वजह से वो प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि उसके पेशाब से किस प्रकार से दवाई बनाई जा सकती है। यह एक नकल मात्र कह सकते हैं या फिर उनका अल्पज्ञता कह सकते हैं, कुछ भी हो उस विषय में हम नहीं जाना चाहते, परंतु यह सर्वसिद्ध है कि गौमूत्र के द्वारा वात पित्त कफ को सामान्य रखने, कब्ज को दूर करने, स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए, यहाँ तक कि मूत्र के सभी रोग दूर करने के लिए, कैंसर जैसे रोग, बाल झड़ने जैसे रोग और आँखों की जो ड्रॉप बनती है वो भी गौमूत्र से ही तैयार होती है। इस प्रकार के 20 ऐसे रोग हैं जिनमें गौमूत्र बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। भारत में भी, विश्व में भी गौमूत्र और उसके बने हुए पदार्थों का बहुत बड़ा कारोबार है। और जिस प्रकार सनातन धर्म जागृत हो रहा है, गौ रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है, गौशालाएं खुल रही हैं, उस प्रकार से उसका और औद्योगिकरण होगा तो हम देखते जाएंगे कि इसमें हम और कितने प्रयोग कर सकते हैं। तो क्योंकि सत्य सनातन जो वैदिक धर्म है वो प्रयोग धर्म ही रहा है, अपनी वैज्ञानिकता को बरकरार रखने के लिए उसने हमेशा काम किया है, और आगे हमारा युवा जो समाज है वो बहुत तेजी से इस तरफ काम कर रहा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी आशा की किरण अभी आगे बाकी है। तो अभी के लिए इतना ही। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमस्ते।